हेलो, मैं हूँ पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज ना हम लोग बात करने वाले हैं अर्थराइटिस के बारे में। ठीक है, अर्थराइटिस या वात का रोग जो होते हैं, ठीक है, अर्थराइटिस को वात रोग भी कहा जाता है। अगर ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, एक बार हो जाती है ना तो ये आपके साथ लाइफ टाइम तक ही रहती है। ऐसी सिचुएशन है ये, ठीक है, मतलब इसका कोई क्योर ही नहीं है प्रॉपर आज ये देखने जाए तो इसी के लिए आज हम ना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स डिस्कस करने वाले। ऐसे तो कहा जाता है कि जो अर्थराइटिस है ना, ये 100 से भी ज्यादा प्रकारों का होता है। ठीक है, 100 से भी ज्यादा प्रकारों का अर्थराइटिस पाया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं आज, हम ना मेन जो तीन मेन जो अर्थराइटिस के जो प्रकार है इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो हमारे जो तीन मेन अर्थराइटिस जो है इसके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले उनके नाम जान लेते हैं। एक तो है गाउट, या जिसको यूरिक एसिड भी कहा जाता है। यूरिक एसिड आपके बॉडी में बढ़ता है जिसको गाउट कहा जाता है। दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटिक पेन जिसे कहा जाता है। ठीक है, तीसरा है हमारा जो कि है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, इन इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेंगे और साथ में उसके पॉइंट्स भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं गाउट या यूरिक एसिड के बारे में। हिंदी में गठिया भी कहा जाता है, गठिया वहां की प्रॉब्लम जो होती है उसे। ठीक है, अभी यूरिक एसिड जो है ना, ये हमारी बॉडी में हमेशा बनता ही है। ठीक है, हमारी बॉडी में ये हमारी मसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में ये बनता ही है, यूरिक एसिड तो होता ही है। अभी अगर आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड की मात्रा जो है ना, ये बढ़ जाती है। ठीक है, अभी ये बढ़ कैसे जाती है, या तो एक प्रॉब्लम होता है कि आप ना बहुत ज्यादा यूरिक एसिड रिच फूड्स खा रहे हैं, या फिर क्या होता है कि आपकी किडनीज जो है ना उसे बाहर नहीं निकाल पा रही है। ठीक है, और फिर ये ना आपके पैरों में ना जमा होने लग जाता है, स्पेशली पैरों में ये जमा होने लग जाता है। देखिए आपको फोटो दिख रहा है ना, वैसे ये जमा होने लग जाता है आपके पैरों में। ठीक है, या तो आपके बिग टो के बाजू में जमा हो जाता है, या फिर आपके पैर में भी कहीं पर भी जमा हो सकता है। वैसे ये वैसे तो हाथों पे भी हो सकता है, बट पैरों में ज्यादा करके देखने मिलता है। ठीक है, तो ये जो है ना, अभी यूरिक एसिड जो ये बढ़ता रहता है उसके कहा जाता है गाउट की समस्या। ठीक है, अभी इसका जो है, इसका क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट है इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। ठीक है, हम सभी के बारे में ना एक सिंगल सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए हमारी मिडिल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, ये फर्स्ट जॉइंट का ना अगर आप ना एक बीच में से एक लाइन खींच दे, ठीक है, मिडिल में से एक प्रॉपर लाइन खींच दे, तो उसी के जस्ट ऊपर एकदम बीचों बीच आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है SP2, स्प्लीन का सेकेंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे से प्रेशर दीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैग्नेट थेरेपी करने वाले हैं। तो अभी मैग्नेट्स, अगर आपको मैग्नेट्स खरीदने हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जानते हैं, वहां पर देखिए, आप वहाँ पे मैसेज करके अपने लिए मैग्नेट्स मंगवा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी अलग अलग प्रकार की किट्स है। ठीक है, छोटी से लेकर बड़ी सारी प्रकार की किट्स है, आपको जो चाहिए जैसी चाहिए अपने हिसाब से आपको ऑर्डर करनी है। ठीक है, तो यहाँ हम लेने वाले हैं एक ब्यूल मैग्नेट। आप सभी को पता ही है ब्यूल मैग्नेट जो होता है ये एक प्रकार से येलो कलर का होता है, एक साइड से व्हाइट कलर का होता है। तो हम यहाँ पर ना ये ब्यूल मैग्नेट का ना व्हाइट साइड जो है ये हमारी स्किन को टच करेंगे। ठीक है, ये ब्यूल मैग्नेट का व्हाइट वाला जो पार्ट है, ये देखिए ये व्हाइट वाला पार्ट है, ये हमारी स्किन को टच होगा और बाहर से दिखेगा वो होगा आपको येलो वाला साइड हमारे ब्यूल मैग्नेट का। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पे हमने ये लगाया, येलो वाला साइड हमारे आपको दिख रहा है बाहर से, यहाँ पे हमने लगाया होगा वो होगा व्हाइट साइड ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट की एनर्जी को आपको सिलेक्ट करना है। मैग्नेट्स आप सभी को पता ही है कि आपको 8 से 10 घंटे के लिए लगाकर रखना है, और जब भी आप इसे निकालोगे तो आपको पेपर टेप्स को फेंक देना है और दोनों भी मैग्नेट्स को ना साथ में लाकर रख देना है ताकि वो एनर्जाइज हो जाए और आप उसे नेक्स्ट टाइम यूज कर सके। मैग्नेट्स कभी भी एक्सपायर नहीं होते, बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको उसे एनर्जाइज करना बहुत ही जरूरी है। चलिए अभी सेकेंड हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। अभी ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस या रूमेटिक पेन क्या होता है, तो ये जो अच्छी है ना, ये हमारी एक्चुअली इम्यून सिस्टम की डिसऑर्डर होती है, यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, यानी कि हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है। ठीक है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है क्या काम करती है, तो ये ना जो बाहर से आए हुए कोई भी प्रकार का वायरस हो जाए, हमारी बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है ना, ये बाहर से आए हुए यानी कि कोई भी प्रकार का कीड़ा आ जाए, ठीक है, हमारी बॉडी में श्वास वाले जो कीड़े होते हैं, एयर के इंसेक्ट्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो, ठीक है, वो सारे जो है ना ये हमारी बॉडी में जब चले जाते हैं ना, तो उन्हें मारने का काम करती है हमारी इम्यून सिस्टम या हमारी जो इम्यून
क्या बोलते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति होती है ना वो। अभी ये रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी बॉडी को बचाने का काम करती है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अभी आप समझ गए। बट अभी क्या होता है ना कि कोई कोई बार ऐसा होता है कि आपकी इम्यून सिस्टम जो होती है ना, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति होती है ना, वही आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करती है अंदर से, ठीक है। आपके जो सेल्स होते हैं, अच्छे सेल्स होते हैं, उन पे अटैक करती है। तो इसे कहा जाता है इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होते हैं ना, ये नॉर्मली आप ना कोई भी दवाई खाकर इसे ठीक कर ही नहीं सकते, ठीक है। एलोपैथी में अभी तक इसका कोई अच्छा रिजल्ट आया नहीं है। तो उसी का एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक है र्यूमेटॉइड जो अर्थराइटिस है, ये एक उसका प्रकार है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, तो पर्टिकुलरली आपके जो जॉइंट्स होते हैं, आपके जोड़ होते हैं ना, जो अभी ये वाला आपका जॉइंट है, व्रिस्ट का, कलाई का जोड़ है, या फिर आपके घुटनों का जोड़ है ना, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ वो सूजन के साथ साथ आपको वो स्वेलिंग पे ना दर्द भी देने लग जाती है, पेन करने लग जाती है, तो उसे कहा जाता है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। अभी यहाँ पे ये र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस का क्या पॉइंट है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये भी हमारा एक हम सिंगल पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारी बैक साइड ऑफ द हैंड पर आता है ये पॉइंट, हमारी इंडेक्स फिंगर पर। हमारी इंडेक्स फिंगर का ये जो सेकेंड ज्वाइंट है, ये सेकेंड ज्वाइंट के जस्ट ऊपर टुवर्ड्स थंब साइड हमारा है ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को भी हम क्या करेंगे, अच्छे से 30 seconds to 1 minute प्रेशर देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रेशर देना है, फिर वापस हम वही लेंगे एक ब्यूल मैग्नेट, ब्यूल मैग्नेट का वाइट साइड टचिंग स्किन, और यहाँ पे लगाएंगे ब्यूल मैग्नेट को, ठीक है। ये होगा आपका ट्रीटमेंट, जो किस चीज के लिए, ये र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए है। ये जो पॉइंट है, ये दोनों भी पैरों, सॉरी दोनों भी हाथों पर आता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हमारा थर्ड जो ट्रीटमेंट है, ये होने वाला है किस चीज के लिए, ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए। अभी ये ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस ना जो बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है ये, ठीक है। ये ना वेयर एंड टेयर से होता है, यानी कि अगर आपको कोई भी प्रकार की इंजरी हो जाए, ठीक है, आपको कहीं लग जाता है, उसकी वजह से ये हो सकता है, या फिर अभी एज के साथ साथ ना ये हो जाता है, ठीक है। वेयर एंड टेयर यानी कि आपकी बॉडी का आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, ऐसे बोलते हैं ना कि अभी हमारी बॉडी का बहुत इस्तेमाल हो गया है, बहुत सालों से यूज हो चुकी है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। किसी किसी को ना ओबेसिटी यानी कि बहुत ज्यादा वजन जो हो जाता है ना, बढ़ जाता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होनी बहुत ही नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो अभी हमारा जो पॉइंट है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। अभी थोड़ा ये पॉइंट जो है ना, इसे ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, हमारी अंगूठे का जॉइंट, हमारी बैक साइड ऑफ द हैंड पे आता है ये पॉइंट, हमारी अंगूठे की जॉइंट की ये जो लाइन है निचले, ठीक है, इसी के इसी से ना जस्ट नीचे देखिए, आपने मिडिल में लाइन खींच दी, इसी के जस्ट नीचे टुवर्ड्स फिंगर साइड आता है ये पॉइंट, बाहर नहीं आता है, टुवर्ड्स फिंगर साइड आता है ये पॉइंट, इसे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इस पॉइंट का नाम है यूरिनरी ब्लैडर 11। क्या पॉइंट का नाम है, यूरिनरी ब्लैडर 11, ठीक है, यूबी 11 पॉइंट है इसका नाम। यहाँ पे हम वापस अच्छे से प्रेशर देंगे, 30 seconds to 1 minute यहाँ पे आपको प्रेशर देना है। इसके बाद जो है ना, इसके पॉइंट जो है ना, यहाँ पर हम मैग्नेट लगाएंगे, ब्यूल मैग्नेट येलो साइड टचिंग स्किन। देखिए, हमने इस पहले में इस दो जो सिचुएशन थी उसमें जो हमारा र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस था या गाउट था, जिसमें हमने ना व्हाइट साइड टचिंग स्किन लगाया था, बट इसमें हम लगाएंगे येलो साइड टचिंग स्किन, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लगा दिया मैग्नेट को, ठीक है, येलो साइड टचिंग मैग्नेट, ब्यूल मैग्नेट का लगाया है हमने, येलो साइड टचिंग स्किन लगाई है, ठीक है। ये भी पॉइंट है, ये दोनों भी हाथों पर आता है, दूसरे पहले के दोनों भी पॉइंट्स थे, वो भी दोनों भी हाथों पर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन मैग्नेट्स को आपको 8 से 10 घंटे के लिए लगाकर रखना है, और जब भी आप इसे निकालोगे तो आपको पेपर टेप्स को फेंक देना है, और दोनों भी मैग्नेट्स को साथ में लगा रख देना है, ताकि वो एनर्जाइज हो जाए और आप उसे रेगुलरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।